हाँ, अब मैं ये नहीं बोलूंगा जैसे ये सर भाई साहब बोलते हैं, कुछ छोटी सी बात इनको कहनी होती है तो नीचे लिखते हैं MR स्टार, ये तरीका भाई वो, अरे भाई क्या तरीका, न्यूटनियन फिजिक्स है यार, इस पे लोगों ने इतना काम किया है, इतना। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये सिर्फ मुझे आता है और किसी को नहीं आता है, तो मतलब आपको न्यूटन का फिजिक्स समझ ही नहीं आया है। 300 साल पुरानी फिजिक्स आप पढ़ा रहे हो और फिर भी इतने आउटडेटेड तरीके दिखा रहे हो, और बाद में आप क्लेम करते हो, बेचारे जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने बड़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करते हो कि जैसे बस आप ही हो। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हमारी कदर आएगी, जरूर आएगी। सर इसमें मुझे एक बात याद आ रही है कि एक कश्मीर, सर उस वीडियो में मैंने कमेंट भी किया था जाके अपने अकाउंट से, कि एक कश्मीरी टीचर है, हाँ जी, जो आपकी वीडियो के ऊपर, हाँ हाँ, तो मैंने उसकी वीडियो में नीचे कमेंट किया, अच्छा, कि भाई तेरी एक भी बात में लॉजिक नहीं है, हाँ हाँ, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन है बस, हाँ, उनका एक कहना था सर कितनी घटिया बात है, उन्होंने कह रहा कि ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करवा देता हूँ, हाँ, लेकिन सर ने लंबे मेथड से कराया। सर कितनी बार क्लास के अंदर ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन को बहुत लंबे मेथड से सॉल्व कराते हैं, हमारा बच्चा बोलता है कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, कई बार नहीं, हम मैंने तो स्टार्टिंग में ही ये चीज एक्सेप्ट किया है कि बच्चे सिखा के गए हैं कई चीज, और आज हम बताते हैं, और अब हर बात के तो नहीं बोल सकते यार बच्चे से मैंने सीखा था कितना अच्छा लगता, खराब लगेगा, ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन ईमानदारी से मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेथड बच्चों ने ही सिखाया है, बच्चों ने ही सिखाया है, तो ये होता है, मतलब ऐसा था, मैंने वीडियो देखा था, वो उनका लॉजिक ये था, काउंटर उनका जो ये था थॉट कि आप MR स्टार का नाम देते हो किसी दूसरे के थ्योरी में, मतलब ऐसा था, मतलब बात ये दो अलग वीडियो, क्या? तीन चार वीडियो बैक टू बैक डाली, तीन चार वीडियो बैक टू बैक डाली थी, तो मैंने देखो, मैंने भी कमेंट किया था वहाँ पे जाके कि ठीक है भाई, जैसे किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, किसी के बारे में बुरा बोलना, और ये फेमस होने का तरीका है सिर्फ, बिल्कुल सर, फेमस होने का तरीका है, आज तक तुम्हारे वीडियो किसी में व्यू नहीं आए, ये डाल के व्यूज मिलेंगे, तो इसमें 30-40 हज़ार व्यूज आ रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, तो कह रहे हैं कि नहीं कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मैं कर सकता भाई, पूरी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है, पूरा भारत का संविधान है, मतलब वही उस पे चल रहा है, पॉलिटिक्स इसी पे चल रहा है, तो कर ही सकता क्रिटिसाइज। और दूसरी बात ये है कि बात को समझने की कोशिश करो, मैं किसी के थ्योरी का नाम नहीं दे रहा भाई, बोले कि SC वर्मा का कांसेप्ट आप उसका नाम दे रहे, मैं किसी के नाम नहीं दे रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ कि ये एक सोचने का तरीका है, और मैं उसको बोल रहा हूँ। और उन्होंने ये भी बोला था कि आप भी तो ऐसा करते हो कि बगल में कोई मेथड लगा देते हो, कहते हो कि देखो इतना लंबा है और आप जल्दी से कर रहे हो, क्योंकि मैं मेथड अगर लगाते हो तो मैं किसी का नाम थोड़ी ना लेता कि मैं इस किताब को क्रिटिसाइज थोड़ी ना करता हूं। जैसे मान लो कि एक सवाल है, अब सवाल के तीन तरीके सॉल्व करने, एक तरीका मैं दिखा रहा हूं कि देखो इसमें लंबा किया हुआ है और मैं आसानी से कर रहा हूं, तो लंबा कहां किया हुआ है ये मैं थोड़ी ना बता रहा हूं, वो लंबा किसी भी किताब में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं तो बस आसान तरीके से बता रहा हूं। सर मजदूरी से दूरी MR स्टार है बहुत जरूरी। सर ये क्या मतलब?